लेट नाइट वाइब्स शबीर, मैं फिर से आ गया हूँ आपका अपना ये फेवरेट शो लेके, जिसको हम कहते हैं लेट नाइट वाइब्स। और इसके अंदर हम लेके आते हैं बहुत ही स्पेशल और बहुत ही सुंदर किस्म के गेस्ट। तो आज के हमारे शो के अंदर जो गेस्ट आई है ना, वो ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली से आई है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम प्राजना एंड रुचिका। रुचिका, प्राजना, वेलकम टू लेट नाइट वाइब्स। क्या हाल चाल है आप दोनों के? मुझे ये बताइए रुचिका, प्राजना, आप दोनों इतनी ब्यूटीफुल लग रही है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं स्टार्ट किससे करूं। रुचिका आपसे करूं कि प्राजना आपसे करूं? आप दोनों टॉस कर लो आपस में पहले। किससे करूं? रुचिका आपसे पूछता हूं सबसे पहले। रुचिका, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस हैपन। मैं पता है आपसे सबसे पहले अपोलॉजी भी करना चाहूंगा, ये बताना चाहूंगा रुचिका के साथ हमारी जो बातचीत चल रही थी काफी दिनों से कि आ जाएंगे कल आएंगे, तो फाइनली आप आ गई। रुचिका बड़ी सुंदर दिख रही हैं आप। थैंक यू। और ये मुझे सबसे पहले ये बताइए, आपका जो डेलिस से लेके यहाँ तक जर्नी है, आप डेलिस से आई है, कैसा रहा है? सबसे पहले मुझे बताइए। अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, कुछ बीच में एडवेंचर्स भी थे। मतलब क्या थंडरस्टॉर्म्स हो गए थे, क्या हुआ था? नहीं, बस की जर्नी थी और हम लोगों ने पहली बार बस से ट्रैवल किया है, तो इट वाज एडवेंचरस एंड स्केरी। और लेकिन फाइनली यहाँ पे एक पीस में आ गए हम दोनों। मतलब मैं ये दो सवाल यहाँ पे उठते हैं। सबसे पहले आपने बताया कि आपने वाला बस से पहली दफा आप आए और बीच में एडवेंचर, मैं दोनों चीजें जानना चाहूंगा कि क्यों पहली दफा बस से, क्यों पहले क्यों नहीं किया? तो मेरे पापा यहाँ आए हुए हैं इंडिया से, एंड उनको मेरा अकेले ह्यूस्टन तक ड्राइव करके जाना बहुत कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि मैं बस से यहाँ जाऊँ प्रजना के साथ। एंड आई वॉज, मैंने उनको बोला कि आप बस के ड्राइवर की ड्राइविंग, यू नो, पे कॉन्फिडेंस है आपको? मेरी ड्राइविंग पे कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं गाड़ी बहुत तेज चलाती हूँ, तो इसलिए उन्होंने बोला कि तुम लोग बस से जाओ। और बस का ड्राइवर बहुत स्कैरी ड्राइविंग कर रहा था, तो हमें अच्छा तो वो एडवेंचर था, वो एडवेंचर था, सही है। लेकिन यू आर स्टिल लाइक अ पापा'स प्रिंसेस, ये जो है वो अभी मैं इस बात से जो है वो मैं समझ सकता हूँ। अच्छा, अब मैं आता हूँ प्राजना के ऊपर। प्राजना, आप भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हैं। आई लाइक, रियली लाइक योर ड्रेस, ऑन टॉप ऑफ इट जो आपने पहना है ये जो नेकलेस है, बड़ा जच रहा है आपके ऊपर। और आपके बाल, क्या बात है, जबरदस्त। ये रियल है ना? रियल है ना? रियल रियल। प्राजना थैंक यू सो मच। अच्छा प्राजना, आपका क्या सीन है? आप भी मतलब रुचिका के साथ आई, तो आपका भी सेम आंसर होगा, एडवेंचर रहा? हाँ, मैं एक छोटा इंसिडेंट बोल सकती हूँ। जैसे ये रुचिका है ना, विंडो सीट में बैठी थी, ये मत बोलिएगा वॉमिट हुई थी। नहीं नहीं नहीं, तो क्या हुआ कि वो बस ड्राइवर है ना, इतना पास से जा रहा था जैसे हमें है ना दिख रहा था, ये बार बार बोल रही थी ये लगता है ना नीचे डालने वाला बस, हम शबीर तक नहीं पहुंच रहे। मतलब क्या, मतलब वैलीज के पास से निकाल रहे थे ऐसे, इतना ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब I don't know how he was driving. जब स्पेगेटी जंक्शन के ऊपर जाती है बस और आप नीचे देखते हैं और एकदम कॉर्नर पे होते हैं, तो वो स्कैरी होता है। हाँ, नहीं लेकिन पता है क्या, ये हमें जो दिखता है वो एक्चुअल में होता नहीं, और जो होता है वो हमें दिखता नहीं कभी कभार, लेकिन ये होता है यूजुअली। मैं डैलिस में भी ड्राइव करके कभी जो है वो कई दफा जो आया डैलिस आया हूँ ह्यूस्टन से, मुझे ऐसा कोई खास लगा नहीं कि इतना कोई डेंजरस है, बट बस की जर्नी में भी डिफरेंट हो। नहीं बस की, आई नो, इवन एसी बस था लेकिन फ्रंट उसका जो मिरर था ना सारा क्रैक्ड था और एक बड़ा होल था, मुझे लगता है एसी वहीं से आ रहा था, कहीं उसे ठोक दी थी बस ले जाके। ओए होए होए होए, चले सही है। अभी मैं थोड़ा सा इस एडवेंचर से निकल के अब थोड़ा रियलिटी की तरफ आते हैं। मुझे ये बताइए रुचिका, आपने मुझे अपने बारे में जो बताया था ईमेल थ्रू ईमेल और थ्रू फोन हमारी जब भी बात होती है कि आप आईटी के अंदर कुछ हैं, तो मैंने ना एक जोक लगा दिया रुचिका के, अभी हम लोग हंस भी रहते हो ऑफ कैमरा मैं और प्राजना इस बात पे कि आप कंप्यूटर खोल के ठीक करती हैं। वो 90s के जमाने आ गए ना, बड़े डेस्कटॉप होते थे व्हाइट कलर के, खोलो उसको स्क्रू ड्राइवर से, उसमें से हार्ड ड्राइव निकालो, इस तरह का कोई काम है आप? नहीं नहीं, मैं टैलेंट एक्विजिशन में हूँ और मैं रिक्रूटमेंट में हूँ, तो मैं टेक्निकल जॉब्स दिलवाती हूँ लोगों को आईटी में। अच्छा, रिक्रूटर के बारे में मेरे दो ओपिनियंस है। एक तो ये अपने आप को बहुत बॉस समझते हैं, आई एम द वन हु इज लाइक हायरिंग पीपल, के मैं, और दूसरी चीज ये होती है कि सबसे ज्यादा मुसीबत भी उन्हीं की पड़ी रहती है, क्योंकि अगर आप टैलेंट प्रॉपर टाइम पर सर्च नहीं करो तो आपकी जॉब खतरे पे आ जाती है। तो ये दोनों बातें सही हैं? सही हैं। तो मतलब आप बॉस ही हो? रिक्रूटमेंट इजी नहीं है। हाँ, और मतलब टेक्निकल लोग, जब हम लोगों से बात करते हैं तो उनको लगता है कि हमें यू नो टेक्निकल चीज़ें समझ नहीं आती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पूरी ट्रेनिंग, पूरी रिसर्च के साथ हम अगर किसी स्किल सेट पे काम कर रहे हैं तो वो पूरी रिसर्च के साथ हम लोग उनसे यू नो बात करते हैं। अच्छा, आपका वो कहते ना कि एक मोमेंट होता है कि जब आपको पता चल जाता है कि ही और शी इज द राइट कैंडिडेट, फिर आप उसको मजीद उसको हार्ड टाइम नहीं देते या उसे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करते, वो आपको कब पता चल जाता है कि ये लाइक यू नो ही इज केपेबल ऑफ डूइंग व्हाट वी आर लुकिंग फॉर? तो एक
एक सेंस होता है कि यू नो दिस इज द राइट गाय एंड कल्चरली भी वो कंपनी में एकदम फिट बैठेगा. तो देन आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि आगे का प्रोसेस क्या है रिक्रूटमेंट में एंड उनका यू नो रिक्रूटमेंट जर्नी कैसा रहेगा कंपनी में. और ये उनसे बैकग्राउंड उनका पूछना और उनकी हॉबीज वगैरह पूछना इट्स आल्सो पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ हायरिंग प्रोसेस. बैकग्राउंड मतलब टेक्निकल बैकग्राउंड और जॉब के बारे में पूछना इज द प्रोसेस. लेकिन हॉबीज हॉबीज का नहीं पूछता ना कि मतलब आपको क्या पसंद है क्या ना पसंद है इस तरीके से ये सारी चीजें नहीं पूछता. सही है. और प्राजना आपका क्या सीन है आप क्या करते हो. मैं कस्टमाइज्ड बेकर हूं तो शादियों में बर्थडेज में तो आप उनकी बर्थडे को उनके कॉर्पोरेट इवेंट को उनकी शादियों को और ज्यादा स्वीट और ज्यादा मिठास उसके अंदर ले आते हैं तो केक्स वगैरह बनाते हैं. तो मेरे लिए केक नहीं लाए आप यहाँ पे आज. नहीं मैं भी ये पूछ रहा था कि अभी हमारे व्यूअर्स को मैं बताऊंगा प्राजना और रुचिका भी जब आ रहे थे ऑफ कैमरा मैंने उनसे पूछा कि भाई आप लोगों का सबसे बड़ा ड्रीम क्या है क्या करना है. तो उन्होंने बताया कि टीवी पे इंटरव्यू देना. तो हो गई दिल खुश हो गया अभी इतनी देर हो गई मुझे मेरी तारीफ नहीं की आप दोनों ने. तारीफ करो मेरी भी थोड़ी. क्या आप लग रहे हैं एकदम हैंडसम एकदम रेडी. नहीं एक्चुअली मुझे है ना आपका सर बहुत चमक रहा है. सीरियसली मेरा सर चमक रहा है इतना चमक रहा है वो लाइट में. नहीं मुझे ये इस किस्म का कॉम्प्लीमेंट आज तक किसी ने नहीं दिया. मतलब इतना अच्छे लग रहे हो. अच्छा लग रहा मतलब सर चमक रहा हूं तो मतलब मैं अच्छा लग रहा. मतलब वो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो पूरा ऐसे आप ना. इसका मतलब ये है अगर मैं कैप पहन लूं सर पे तो फिर मैं अच्छा नहीं लगूंगा क्योंकि सर नहीं नजर आएगा. नहीं आपको सर नहीं खुला अच्छा लग रहा है. अच्छा खुला अच्छा लग रहा है. तो बेड वेट भी ठीक है देखें एकदम. चलो अभी इससे सारी बातों के साथ अभी हमारे पास एक एक्टिविटी है वो हम आप दोनों के साथ करते हैं फिर पता चलेगा कि आप दोनों कितने पानी में हो. बेस्टीज हो फॉर द रेस्टीज. मैंने कुछ क्वेश्चन किए हैं रुचिका से प्राजना के बारे में प्राजना आपसे इनके बारे में. तो मैं उनको वेरीफाई करूंगा कि आप दोनों को कितना एक दूसरे को जानते हो. सही है. अच्छा रुचिका की कुछ लाइक्स हैं डिसलाइक्स हैं क्या पसंद है इनको क्या ना पसंद है प्राजना मैं आपसे पूछना चाहूंगा. सही है. आप दोनों ने एक दूसरे बताया तो तेरे ना आंसर्स. नहीं बोला उसने मुझे. ओके अच्छा मुझे बताइए सबसे पहला क्वेश्चन मेरा रुचिका के लिए आपसे ये है कि ऐसा कौन सा कलर है दैट शी विल नेवर वेयर कि इनको वो बहुत सख्त वो डिसलाइक करती हैं. शी डजंट लाइक दैट कलर कि शी विल नेवर वेयर. दुनिया में सब भी खत्म हो जाएगा फिर भी वो बोलेंगी कि नो आई विल नॉट प्रेफर नॉट टू वेयर दैट. ऐसे इन्होंने दो मैं आपको हिंट दे रहा हूं दो कलर बताएं. येलो और ग्रीन. येलो और ग्रीन पता नहीं. अच्छा ये नहीं ये थोड़ा सा और सोच लो कॉफी ऑफी पीने दो क्योंकि दोनों गलत है. इन्होंने ये नहीं कहा था इन्होंने. अच्छा चलो मैं आपको हिंट दे देता हूं उनको कौन सा कलर पसंद है ये तो मैं बोल सकती हूं. नहीं पसंद कौन सा है बता दो फिर. पिंक उनको पसंद. अच्छा पिंक पसंद है वो तो ऑब्वियसली. नहीं लेकिन जो उनको नहीं पसंद है इतना इसलिए तो हमने इसको थोड़ा मुश्किल बनाया ना. लाइक्स तो सबको पता होती है डिसलाइक्स जिसको पता हो वही दोस्त होता है ना. हां सही है. हां बताइए. गोल्ड गोल्डन. हाँ नहीं वैसे गोल्डन अच्छा लगेगा इन पे. लाइक शी ना शी लाइक अ नाइस टैन कॉम्प्लेक्शन द गोल्डन सूट करेगा. शी लुक प्रीटी बट गोल्डन भी नहीं है. गोल्डन भी नहीं है यार कौन सा कलर है. वही तो बता दूं. हाँ बता. इन्होंने कहा था मरून और डार्क रेड. रेड बोलने वाली थी. हाय मिस हो गया. नहीं मुझे एक चीज मुझे रेड आप पे लेकिन फिर मुझे लगा उसको रेड पसंद आएगा क्योंकि रेड इज अ नाइस कलर. एग्जैक्टली एंड आप पे सूट भी करेगा. मैं आपको विजुलाइज कर सकता हूं रेड एकदम रेड गाउन के अंदर यू लुक प्रीटी. रेड क्यों नहीं पसंद है आपको. मुझे मुझे वो मरून शेड नहीं पसंद है. अच्छा मरून शेड ही नहीं पसंद है. होता ना किसी किसी को नई कोई चीज भाती है. नो आई अंडरस्टैंड. चलो अब क्या कर सकते हैं. ओके अच्छा मुझे एक बात बताइए कि ऑन फ्राइडे नाइट शी प्रेफर टू स्टे इन or will go out. Will prefer to go out or will stay in Friday night ko. She'll prefer to go out. Acha prefer to go out. Go out. Acha bahar jaake inki kya preference hogi kya karna chahengi agar ja rahi ho ke Friday ko bahar ja rahi hai ye to what she likes she likes to do. दोस्तों से मिलेगी पार्टी करेगी. राइट ये हो गया सही आपका. ओके गो आउट एंड पार्टी. सो यू आर अ पार्टी पर्सन. ओके सही एक गलत हो गया एक सही हो गया. अच्छा स्कूल के अंदर इनका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था. ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ इस तरह के आज तक मैंने कभी किसी से नहीं पूछा ये इसलिए क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो स्कूल के आई थिंक कॉलेज के फ्रेंड हो तो इनका कोई इन्होंने एक सब्जेक्ट बताया और मुझे लग रहा है आपका तुक्का लग जाएगा इसमें. इनका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था स्कूल. मैथ्स नहीं. साइंस है क्या. साइंस ही का एक सब्जेक्ट है. चलो हिंट दे दिया. साइंस ही का मैथ्स से क्लोज है वो. अब तो बता ही देना चाहिए आपको. यार क्या करती है ऐसे क्या बोल.
हमने यही तो देखा ना, ये लाफ्टर कहाँ से आता अगर हम पहले से आपको सारे क्वेश्चन बता देते तो। जी प्राजना, आपका कॉन्फिडेंस माइंड ब्लोइंग है, कुछ भी हो जाए प्राजना के देखा क्या जो भी हो है ना वो रहना चाहिए। बता दे बता दे जल्दी बता दे। बायोलॉजी नहीं पता, फिजिक्स। फिजिक्स है, फिजिक्स सच्ची में फिजिक्स है। अच्छा ओके, इनकी बकेट लिस्ट में सबसे टॉप पे क्या चीज है, मतलब व्हाट्स द नंबर वन थिंग इन हर बकेट लिस्ट? आई थिंक शी वांट्स टू कवर एडवेंचर्स, कहीं घूमने जाना है, मालदीव्स या कहीं घूमने जाना है। अच्छा चलो मैं इसको सही मान लेता हूँ, लेकिन इन्होंने एक स्पेसिफिक नाम लिया था सिटी का, वो चलो मैं इसको बाद में बताऊंगा। अच्छा एक और चीज है जो इनकी टॉप पर है और बहुत ईजी है, वो मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, हिंट दे रहा हूँ। इंटरव्यू? अच्छा ये बकेट लिस्ट में था? टीवी, टीवी इंटरव्यू, कि इनको आगे टीवी पे इंटरव्यू देना था और पेरिस जाना है इनको। पेरिस, आपने मालदीव्स बोल दिया लेकिन चले ठीक है, इसको नहीं, मुझे तो उसने मालदीव्स बोला था बहुत पहले। मालदीव्स भी है एक वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑन माय बकेट लिस्ट, लेकिन पेरिस सबसे पहले। नहीं वो पेरिस में जाके वो बोलेंगे ना कि मुझे कोई प्रपोज करे वहां जाके, किस तरीके से दोबारा से रिंग ले जाएंगे, वो दोबारा से रीलिव दैट मोमेंट। ओके लास्ट क्वेश्चन, इनका फेवरेट फूड कौन सा है? इटालियन। इटालियन और देसी में? देसी में क्या स्पाइसी खाती है? हाँ स्पाइसी ही है वो फूड, कौन सा है? स्पाइसी हो सकता है, मतलब ज्यादा लोग स्पाइसी पसंद करते हैं, वो स्ट्रीट फूड है। पानी पूरी? हाँ गोलगप्पे सही होगा, लेकिन थाई बोला था उन्होंने, थाई। चलो इसको भी सही मान लेते हैं। चलो प्राजना क्या याद करोगे, हम बड़े जेनरस चल रहे हैं आजकल, लेकिन अराउंड लाइक 3 points स्कोर किए आपने, ये भी बड़ी मुश्किल से। रुचिका अब आपकी बारी है, ठीक है? अब प्राजना के बारे में मैं आपसे पूछूंगा कि आप इनको कितने अच्छे से जानते हो, राइट? अच्छा मुझे बताइए प्राजना जो है वो जब कोई इनको कोई बात जो मतलब यानी कि अगर सॉरी बोलना हो किसी बात पे, तो ये अपना टाइम लेती है या फौरन से सॉरी बोल देती है? शी अपोलोजाइज लाइक राइट अवे और शी टेक टाइम? बोल देती है, मतलब काफी ग्राउंडेड है। आप दोनों ने आज तय किया है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करना, ये गलत है। कहा था टेक टाइम, इन्होंने कहा मेरे साथ तो फट से बोल देती है। आपकी से तो मतलब आपके तो सब पति को नहीं बोलती। हां ने पति को नहीं बोलते, देखो जिसको बोलना चाहिए वो नहीं कर रहा। ओके चलो ये गलत हो गया। ऑलराइट ये बताइए कि इनको गुस्सा किस बात पे आता है, व्हाट मेक्स हर एंग्री? ये बहुत क्लीनलीनेस फ्रीक हैं, तो अगर इधर उधर सामान फैला है या डस्ट से इनको एलर्जी है, तो अगर गंदगी मिले उनको आसपास तो उनको गुस्सा आता है। अच्छा नहीं अगर थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा बाहर की तरफ आए आप, थोड़ा सा ये घर का तो हो गया समझ में आता है, उसी डी तो नहीं ना, उसी डी तो नहीं ना, बड़ा वाला है, है। नहीं अच्छा वो मैं हिंट दूं आपको। हाँ जी अगर कोई लेट जी टाइम कमिटमेंट, टाइम कमिटमेंट चलो सही कर देते हैं। लेकिन पहला वाला भी सही बोला। अच्छा पहला वाला भी सही बोला, गंदगी जो बोली वो सही, लेकिन मैं तो वो बोल रहा हूँ ना जो आपने मुझे बोला है। वो भी बोला था मैंने। अच्छा हाँ चलो ठीक है, इसको इसको पहले वाले को सही कर देता, दूसरा वाला गलत कर देता। ओके ये बताइए इनके इनका फेवरेट कलर, इनके फेवरेट कलर्स कौन से हैं? चले ये इन्होंने दो बताया, ब्लैक ब्लैक। ओके राइट बिल्कुल ब्लैक और कौन सा है तो इतना हिंट तो आपने मुझे दे दिया। नहीं नहीं क्या मतलब है, मतलब आप वो जो क्वेश्चन आया वो बोलो मेरी बैकएंड टीम को डैडी उन्होंने नहीं आप ऐसे लिख के। इनको इनको डर किस बात से लगता है सबसे ज्यादा? दो चीजें अगेन यहाँ पे, डर किस बात से लगता है? हाँ यहाँ पे भी दो 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 जवाब दिए उन्होंने, दो बिल्कुल दो। तो ये तो मुझे नहीं आएगा, डर लगता है ना, डर लगता है, डर किस चीज से लगता है? डर लगता है हाइट से? नहीं डर लगता है इनको, डर लगता है ना, डर किसी से, डर किसी से लगता है? लाइट चली जाए तो क्या होता है? अंधेरे से, अंधेरे से डर लगता है। लेकिन ये गलत हो गया, मैं तो ऐसी कॉमेडी कर रहा हूँ। और दूसरा, और दूसरा एक और चीज है, जब बारिश होती है तो क्या होता है? थंडरस्टॉर्म। जी अब क्या किया जाए इनका, प्रार्थना बताएं कि सही करूं या गलत करूं? हाय दे दो दे दो, चलो दे दिया। ओके सबसे ज्यादा मनी, सबसे ज्यादा पैसा लाइक शी लाइक टू स्पेंड ऑन व्हाट? Clothes? अपनी हार्ड अर्न मनी। ओके क्लोथ्स ठीक है, क्लोथ्स ओके, ज्वेलरी नहीं, शूज नहीं, पर्स बैग्स बैग्स जी। अब क्या किया जाए इसका? चलो इसको ये मुझे लगता है ये हो गया एकदम टाई ब्रेकर, यानी कि तीन और तीन आप दोनों बराबर बराबर चल रहे हो, तो हम आप दोनों की क्लैप करेंगे। आप दोनों भी कर सकते हो। क्या बात है, क्या बात है, दोस्ती हो तो ऐसी हो। हालांकि दोनों को पता है कि दोनों ने कितने गलत आंसर दिए, फिर भी कॉन्फिडेंस चेक करो लड़कियों का। अभी बाहर जाके पूछेंगे नहीं बताया। नहीं नहीं होता है कभी कभी कैमरे के सामने आदमी जो है वो घबरा जाता है ना,
तो लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि आप दोनों एक दूसरे से कम प्यार करती हैं, बस मोहब्बत इसी तरह आ रहा है, ये अच्छी बात है। चले ये एक्टिविटी हो गई यहाँ पे खत्म, अभी हमारी एक ब्रेक का टाइम हो गया, तो एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद कुछ और फन मस्ती है वो हम करेंगे, सही है? Alright guys, this is the time for a small commercial break. हमारे पास यहाँ पे रुचिका और प्राजना है, इनके साथ हम कुछ और फन एक्टिविटीज करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। Keep watching Late Night Vibes with Shabir. Upgrade your luxury for just $1 down. Get summer ready in style at Big Star Cadillac. Step up to the new 2023 CT4 luxury for just $379 a month, or the new 2023 CT5 luxury for only $499 a month, both for 39 month lease with just $1 down. Or purchase either and enjoy $750 bonus cash. Gulf Freeway, just 2 minutes south of the Beltway. Shop smarter when you shop at Big Star. Shop BigStarCadillac.com. Hey, Bobo, do trees tell each other stories? I'm sorry, I'm afraid I don't know that. Hey, why don't we go find out? Listen. Do clouds take naps? I couldn't tell you. Dad, do stars visit their friends? Look! Hey. Okay. Mm-hmm. If you love me enough to tolerate my perfect little pets and all their glorious dander, then of course you'll visit nhtsa.gov/the right seat to make sure I'm in the right car seat. Welcome to Late Night Vibes with Shabir. Break के बाद हम वापस आ गए। मेरे साथ यहाँ पे हैं two beauties, प्राजना और रुचिका। रुचिका, प्राजना, welcome back. Thank you. क्या हालचाल है आप दोनों के? बढ़िया। कुछ कॉन्फिडेंस रीस्टोर हो गया, मेरा भी हो गया थोड़ा सा रीस्टोर। यानी कि होता है ना कि कभी हम जब इस तरीके से शो कर रहे होते हैं, कभी कभी आप जैसे गेस्ट आते हो तो हमारा कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है कभी कभी। स्पेशली प्राजना को देख के मैं तो कह सकता हूँ, प्राजना जो ना इतनी कॉन्फिडेंट लग रही है, ये है वाकई में, है ये वाकई में दिखती है। रुचिका आपसे पूछूंगा, दिखती मतलब उसका कॉन्फिडेंस है उसमें, लेकिन हाँ, वो दिखाती नहीं है, दिखाती नहीं। हाँ। अच्छा एक सवाल और बनता है यहाँ पे, कभी कभी होता है ना कि प्रॉब्लम हो जाती है कि कोई तीसरे की वजह से आप दोनों को होता है, ये कभी आपके लिए करती है कि नहीं? आई एम देयर ऑलवेज देयर फॉर यू, थ्रू अ थिक एंड थिन, हमेशा खड़ी रहती है मेरे लिए। अच्छा, नहीं कभी झगड़ा किया आपके लिए इन्होंने किसी और से कि नहीं रुचिका को कुछ नहीं बोलना वरना मैं? बहुत बार किया है। अच्छा, बहुत बार किया, क्या बात है। और आपने किया कभी इनके लिए? मैं तो बिल्कुल नारी मुक्ति। क्या बात है, नहीं होता है ये दोस्ती इसी तरीके से होती है, कभी क्या चीज क्लिक कर जाए। और कितना साल हो गया आप दोनों की दोस्ती को वैसे? मास्टर्स से साथ में, 2006 से साथ में। क्या बात है, यानी कि ऑलमोस्ट 20 साल होने वाले हैं। क्या बात है, एक मूवी इतना 20 साल इतना उम्र हो गया हमारा। ये एक तरीका है मेरा उम्र जानने का, लेकिन प्राजना स्मार्ट चल रही है आजकल। हाँ। सही है। अभी हमारे पास गर्ल्स एक एक्टिविटी है जिसको हम कहते हैं क्या, जिंदगी दो पल की। okay. इसके अंदर मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करूंगा, जेनरिक, फनी होंगे, आईक्यू के हो सकते हैं, कुछ भी, बॉलीवुड हॉलीवुड कुछ भी आपको उसका आंसर देना है, कुछ भी आंसर देना है, लेकिन शर्त उसकी है, कंडीशन ये है कि यू हैव टू कम अप विद अ आंसर विद इन 2 seconds, राइट? आप ये नहीं कह सकते मुझे नहीं पता, बहुत छोटा, बहुत लंबा, ये वो, नहीं। यू हैव टू कम अप विद एन आंसर। एक आंसर होता है ना, एक क्वेश्चन का एक आंसर, सवाल जवाब, सवाल जवाब, ऐसा होगा। रेडी आप दोनों? समझ में आ गया गेम? रुचिका आपसे स्टार्ट करूं, प्राजना आपकी इजाजत है, जो आपकी फ्रेंड है ना ये, वरना बोलो। ओके, आर यू रेडी रुचिका? हाँ जी। ओके, फिश पानी में क्यों रहती है? क्योंकि वो बाहर नहीं रह सकती है। नहीं, बाहर रह सकती है फिश, मर जाएगी ना? नहीं नहीं नहीं, एक्वेरियम में। अच्छा। ओके, अच्छा एक बार बताइए, एलिगेटर ने एलिफेंट से क्या बोला? कि तू मेरे कंधे पे आके बैठ जा। यानी कि एलिगेटर ने एलिफेंट से ये बोला कि तू मेरे कंधे पे आके बैठ जा। क्या बात है, तो फिर दोनों में से एक ही बचेगा। ओके, अच्छा हिमेश रेशमिया कैसे गाने गाते हैं? कैसे कहा? तू मेरा सुरूर। नहीं नहीं, वो प्रॉपर गाइए ना, उनको जिस तरह गाते हैं वो उस तरह। एक बार आ जा। अच्छा ये बताइए, एक और एक 11 क्यों होता है?
क्योंकि एक और एक 12 नहीं हो सकता। हाँ, एक और एक तो दो नहीं होता, दो भी होता है। ओके, नेबर्स के अंदर फाइटिंग क्यों हो रही है, नेबर्स में फाइटिंग क्यों हो रही है? क्योंकि नेबर्स प्यार से नहीं रह सकते आपस में। आपकी वजह से तो नहीं हो रही है, वो उनके हस्बैंड ताने दे रहे होंगे, जाके रुचिका को देखो, काम भी करती है, ब्यूटीफुल भी है, घर को भी संभालती है, और एक तुम हो, क्या हो, शादी के 20 साल हो गए। ओके, राइट राइट राइट। आपका नाम रुचिका क्यों है? मेरे पापा ने रखा है मेरा नाम रुचिका, उसका मीनिंग है राइजिंग रे, फर्स्ट राइजिंग रे ऑफ द सन। तो मम्मी ने क्यों नहीं रखा? पापा को रखना था, पापा की प्रिंसेस हूं ना मैं। पापा की प्रिंसेस, हाँ। अकेले दिल्ली से यानी आने देते तो ऑब्वियसली नाम भी वही रखेंगे ना, कॉपीराइट्स। ऑलराइट, अच्छा कौन सा एनिमल ज्यादा गुस्सा करता है? चीता। क्यों? आता होगा उसको गुस्सा। वो बात भी सही है। अच्छा, सोडा का कैन खोलने पे कैसी आवाज आती है? ओके, हाथी को गुस्सा आता है तो क्या होता है? तहस नहस हो जाता है सब कुछ। जंगल का राजा कौन है? मैं। अच्छा, मैंने तो सुना शेर होता है। ओके ओके, बारिश क्यों हो रही है? बारिश को होना था इसलिए हो रही है। बादल आते हैं तो क्या होता है? गरजते हैं। कभी बरस भी जाते हैं। हाँ। ओके ओके ओके, इमली खाने के बाद मुंह के अंदर से कैसी स्मेल आती है? मुझे तो इमली बहुत पसंद है। तुम बाकी लोग बताएंगे कैसी स्मेल आती है। और इमली खाने के बाद जो है वो मुंह कैसा हो जाता है? खट्टा हो जाता है। नहीं नहीं, कैसा कैसा बना के इमली खाते हैं तो ऐसा होता ना। ओके ओके, बाबूजी ने क्यों कहा कि घर छोड़ दो? क्योंकि बाबूजी जरा धीरे चल रहे थे। ओके अच्छा, और पारो ने क्या कहा? देवदास हो गया, निकल जाओ घर से। दो सेकंड हो गए, बट अच्छा परफॉर्म किया। शी वाज गुड, शी वाज गुड। अभी आपको पता चल जाएगा। अरे नहीं नहीं। ओके, आर यू रेडी प्राजना? यस आई जी। so. प्राजना जी, आप रेडी हैं? ऑलराइट, चले अब मुझे बताइए, उनको देखा तो क्या ख्याल आया? वो ये ख्याल आया जो पहले देख के हुआ था। ये आंसर है ना, फ्रेम कर रही है, कुशन ला रही है ना। आई नो, आई एम ट्राइंग टू। उनको देखा तो ये ख्याल आया कि शायद गाना आने वाला था। उनको देखा तो ये ख्याल आया, तुम घनी धूप मैं गहरा छाया। पता नहीं क्या, ऐसे ही कुछ है। हाँ, जगजीत सिंह जी माफ कर दीजिएगा, मतलब उनके गाने की ऑर्डर हो गया। सही है। ओके, अगर हाथी ट्री पे बैठ जाए तो क्या होगा? किसने? हाथी अगर ट्री पे बैठ जाए, पीछे हो तो ठीक है, अगर ऊपर हो तो हाथी और ट्री दोनों। नहीं तो ट्री ऊपर ही होता है ना, नीचे नहीं। अगर गिरा हुआ तो अलग बात है, नहीं तो कैसे चढ़ेगा बेचारा हाथी। हाँ, ये बात भी सही है। लॉजिकल आंसर दे रहे हैं, चलिए, मतलब यानी कि टेक्निकल जॉब आप कर रही हैं, लॉजिकल आंसर ये दे रही है। बहुत भी सही है। अच्छा, अगर ज्यादा मिर्ची खा लो तो क्या होता है? पानी चाहिए अभी। खाना टेस्टी हो जाता है। मिर्ची से खाना टेस्टी होता है? मुझे मिर्ची बहुत पसंद है। रियली? कौन सी? हरी मिर्ची की लाल मिर्ची? हर तरह की मिर्ची। ओए हाय, क्या बात है, तभी दिखती भी ऐसे थीकी मिर्ची की तरह। ओके ओके, दुनिया में सबसे ज्यादा लंबे हाथ किसके हैं? कानून। कानून के हाथ कितने लंबे हैं? गलत हो गया, 2 सेकंड हो गए। इश्क इंसान को क्या बना देता है? पागल। पागल बना देता है। ओके, पुलिस वाले का क्या नाम था? शेखर। ओके, विजय कुमार सक्सेना कौन है? अमिताभ बच्चन। ओके, अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते तो कौन सी होते? बीप करने वाला। बीप 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 करने वाला कौन सा, मतलब नाम ले रहा है? अच्छा चलो, वो स्कूल बेल। अच्छा, स्कूल बेल, टी अभी भी चल रही वाली बेल है? पता नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक थोड़ी होती है। इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाता है तो आग लगाता कौन है? मैं। अच्छा, मान लिया इवेंचुअली मान लिया। कभी लगाइए, कभी आग लगाइए, कभी इस तरीके से दो लोगों के बीच में, सही सही बताना। के देखे, मैं एक उसका आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक देता हूँ। कॉलेज डेज में सब मस्तियां करते हैं, कभी किसी का ब्रेकअप करवाया जानबूझ के? ये नहीं कह के नहीं, कोशिश की नहीं लेकिन नहीं नहीं हुआ। अच्छा, कोशिश की थी लेकिन नहीं हुआ। प्राजना, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी लव मैरिज हुई है। सही है बात? नहीं, अरेंज है। अरेंज है? ओए होए, नाम लेकिन आशिक है उसका। ओके सही है। बकरा कैसे रोता है? ये पहला बकरा है जो ऐसे रोता है। आंटी ने पुलिस क्यों बुलाई थी? आंटी के घर पे कोई और अंकल होगा। आंटी पुलिस बुला लेगी क्योंकि पड़ोस में पार्टी हो रही थी, इसलिए नहीं। लेट नाइट पार्टी चल रही थी, मैं आपको बता रहा हूँ ना। वो आंटी नहीं, वो बुढ़ी आंटी फिर होगी। हाँ, वही
तो आंटी हम उन्हीं को कहते हैं ना। आपको एक ड्रामा याद है जिसमें जीडीवी पे आता था, वो कहता था आंटी मत कहो ना। याद है ना स्वीटी हम पांच जी ऑल टाइम फेवरेट। आंटी मत कहो ना। ओके ओके सनी देओल के हाथ, सनी देओल ने हाथ क्यों तोड़ा? कुछ और नहीं तोड़ पाया क्यों? हैंडपंप नहीं खड़ा था उन्होंने शायद, वो नहीं तोड़ पा रहा था, सिर्फ वो काट दिया। ओके चूंटी ने हाथी से क्या बोला कि वो फेंट हो गया? कि मैं तेरे बच्चे की मां बनने वाली। इतना पुराना जोक है ये, अभी भी सही है। ओके उनको देखा तो मुझे ये ख्याल आया, क्या ख्याल आया? चिमटी काटू। चिपटी काटू। ओके ये मैं दोबारा से खेलने की कोशिश की, घिरी नहीं है। अच्छा अभी एक छोटी सी एक्टिविटी और है जिसको, लेकिन पहले ताली बजा लेना। हाँ। क्या बात है, दोनों ने आप दोनों ने बड़ा मजा एकदम मस्त होकर परफॉर्म किया। अभी इसके अंदर ये होता है कि नेम एनी सेवन नेम्स, इसके अंदर आप लोगों ने अल्फाबेट जो है मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोगों ने काउंट करना है मन ही मन में। मैं बोलूंगा स्टार्ट, आप बोलेंगे ए बी सी डी ई एफ जी, मैं बोलूंगा स्टॉप, तो जहां से भी आप रुकोगे उस अल्फाबेट से आपने कोई भी सात नाम लेने हैं। रेडी है? समझ मारा? किसी के नहीं, इंसानों के। इंसान अच्छा, कुछ भी नाम लेना। हाँ। समझ मारा? तो किससे पहले प्रार्थना से स्टार्ट कर लेते हैं। रुचिका बेचारी थोड़ी सी जरा डर रही है ना कि नहीं, ये पता है इनका मुंह ऐसा हो जाता है जो एग्जाम में जब नहीं, जब दे रहे होते हैं तो वो जब वाइवा हो रहा होता है तो वो मेरे जैसे स्टूडेंट, मैं भी ये करता था, मैं पीछे छुपता था मैं ऐसे करके, टाइम निकल जाए, क्योंकि टाइम जब कम होता है ना तो एग्जामिनर कम क्वेश्चंस करता है। ये आपने किया किस तरीके से रुचिका? मैंने किया है ना, और मैं हमेशा करके भी कोई फायदा नहीं था। हमारे जो एमबीए के मतलब जो प्रोफेसर थे वो कुछ भी करो मुझे पकड़ देते थे तो। अच्छा नहीं वो ऑब्वियसली ना, आप उनको वो करती होंगे ना कि नहीं भाई मैं सबसे स्मार्ट हूँ, बोलेंगे बेटा तुम ही आ जाओ। नहीं मैं ऐसे बैठी रहती थी फिर भी वो मुझे ही पकड़ेगा। ओए हाँ ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है ना, बच्चे जरा छुपते हैं तो उनको ज्यादा पकड़ते हैं। हाँ। इससे पहले पूछो। हाँ। ठीक है रेडी प्राजना, आप रेडी है? हाँ। ओके स्टार्ट। स्टॉप। जी 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 से कोई भी सात नाम। गौतम। गौतम। गोपी। गोपी। हाँ गोपी। गोपी। गोपिका आजकल होता है कोई नाम से गोपी? तो क्यों नहीं, सीरियल में है ना गोपिका? नहीं वो तो सीरियल में है ना। हाँ। वो तो उनको दिखाना था कि एक दर्शाना था कि एक बहू ऐसी होती है या बाबूजी ऐसे होते हैं। गोपी आजकल आप जस्ट इमेजिन कि आपने किसी का नाम गोपी रखा है तो यू एक्चुअली स्कार देम फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ के नाम के नाम क्या गोपी, मतलब उसके नाम की क्या होगा मुझे नहीं समझ में। गोपी होता है किसी का नाम आजकल वैसे? गोपी मैंने सुना नहीं है, सीरियल में ही सुना है। हाँ। इराज कपूर टाइप के नाम क्यों? सही हो गया। नंबर थ्री कोई तीसरा? गौरव। गौरव कुमार। गौरव कुमार। गौरव। हाँ। और तीन हुए अभी तो, और गौतम होगा और गोरिला ही याद आ रहा है। गोरिला किसका नाम? पता नहीं याद आ रहा है कब से। ओके नहीं जी से बहुत सारे नाम है, थोड़ा सा आप बाहर निकले, थोड़ा सा एशिया से बाहर निकले, अमेरिका आ जाएं, थोड़ा सा यूरोप चले जाएं। जी से बहुत सारे नाम होते हैं। एक नाम है लेकिन वो बोलने में अजीब लग रहा है। क्यों पति देव का नाम है? नहीं, सर नहीं, आप भी वो, आप भी वाली कैटेगरी में तो नहीं? उनसे कहा था मैंने नहीं, नहीं वो बुरा मान जाएंगे। पति से डरती हैं वैसे? वो लगता तो नहीं है, नहीं, है ना नहीं। मतलब कौन खाने को आता है? आप उनको जाती हैं वो आपको आते हैं? मतलब जब झगड़ा होता है तो मैं एक्चुअली दिखती हूं ऐसे लेकिन वो ही खाने को आता है। अच्छा क्या बात है। ओके ये कुंडली इनकी ऐसी है कि मतलब सब लोग इन्हीं को पकड़ते हैं। हाँ। तीन नाम हुए, छोड़ेंगे नहीं हम आपको इतनी आसानी से। थोड़ा सा इंटरनेशनल हो जाए, इंटरनेशनल हो जाए। कौन है यार बाहर आए थोड़ा सा जरा? जी से बहुत सारे नाम हो सकते हैं। जी से गायत्री। हाँ गायत्री। गायत्री हो सकता है। चार हो गए। थोड़ा सा आप चले बॉलीवुड में देख लें, अगर कोई बॉलीवुड में समझ में आ जाए, बॉलीवुड में समझ में आ जाए। जी से नहीं आ रहे यार। शाहरुख खान की बीवी का क्या नाम है? गौरी। गौरी जी। गौरी खान। ओके जी से और गौरी। गौतमी। गौतमी चले ठीक है, बड़ी मुश्किल से इन्होंने जो है वो एमबीए की डिग्री ले ली। चलो ठीक है हम आपको यहाँ पे रोक देते हैं फिलहाल। हाँ। क्योंकि अभी देखते हैं रुचिका कैसे परफॉर्म करेंगी। अब आपका हारना या जीतना इनकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो रुचिका आ रही है? हाँ जीत जाएगी, नाम तो ले लेगी। नाम तो ले लेगी, अब देखते हैं ना। रेडी है रुचिका? रेडी। ओके स्टार्ट। स्टॉप। सी। सी नहीं ये बहुत डिफिकल्ट है, रहने दीजिए, मैं ज्यादा नहीं करूंगा। अच्छा चलो सी से ले लो, चलो मैं थोड़ा मजा आएगा ना इसमें। हाँ, नहीं है सी से बहुत। सी से बहुत सारे नाम ले सकते हैं आप, चलो ले लो ट्राई करते हैं। हाँ चलो ट्राई कीजिए। कैरन। कैरन। ओके कैटरीना। कैटरीना के से आता है बट चले सी से भी होता है। चले ठीक है। करीना।
करीना, अच्छा आप तो मतलब यानी कि फॉर ग्रांटेड ही हो गए, यानी कि ये कतरीना के अप्रूव किया आप तो करीना करिश्मा सारी के वाले जो इसी में लपेट दोगे, फिर कुमार भी सी से कर दो, है जी कपूर भी सी से कर दो, फिर सारा वो तो क्यों, क्योंकि का साउंड होता है वहां पे, ये क्या बात हुई, ये अच्छी है ना, इसीलिए ना कैट तो ये मतलब देखो इसीलिए हम जो है ना लेट नाइट वाइब्स जरा स्ट्रिक्ट चलते हैं यहाँ पे, नहीं 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 ये कैंसिल करें, कैंसिल करें आप, अच्छा आप दोबारा से स्टार्ट कर, C for cat, C for kite. कैटलिन, कैटलिन हो सकता है, C से लेकिन कैथरीन हो सकता है, सही है, नहीं रहने दें, C रहने दें, ये C सही अच्छा। नहीं जा रहा है, C को मतलब हम हटा देते हैं, हम दोबारा से चांस देते हैं आपको, स्टार्ट स्टॉप जे जे, ये चीटिंग तो नहीं की होगी ना, इतनी देर में जे आ जाता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, आगे जे आगे, अच्छा चलें जे, जे से स्टार्ट करें, जय जय, जोवियल, हैं जी जोवियल, जोवियल कौन हो सकता है, अच्छा जोवियल ये है, ओके ठीक है, नंबर तीन, तीसरा तीसरा जो जो, ओके चौथा जूही, जूही सही है, जूही परमार, जूही चावला, ओके करेक्ट है, जेक जेक, जोसेफ 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 जोसेफ, आप भी उन्हीं की तरह चल रही हैं, मतलब ये नहीं कि मांगे तांगे पे, सेम है ना, सेम है, सेम सेम सेम, जॉश जॉश, ये सी इट्स अ गुड नेम, जॉश, जैक, जैक हो गया, मैंने बताया था जेक, जमशेद, जमशेद, ओके चलो ठीक है, ऑलराइट गर्ल्स, जैकलिन, हां जैकलिन, जैकलिन अभी आ रहा है उसको, ये इन्होंने होता ना चेरी ऑन द टॉप, तो हम काम करते हैं, मैं घोषणा कर देता हूं कि रुचिका ने शायद ये बाजी ले ली आपसे, चलो जैकलिन बोला गया, इन्होंने नहीं बोला होता ना टाई था यहां पे, मुझे समझ में आया जैकलिन आपको पसंद है अभी, मुझे आप भी बहुत पसंद है, मुझे रुचिका भी बहुत पसंद है, मुझे सब पसंद है, नहीं गर्ल्स थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया गेम को खेल के, अभी एक काम करते हैं एक और ब्रेक ले लेते हैं, इसके बाद हमारे पास और कुछ एक फन एक्टिविटी वो करेंगे, राइट, ऑलराइट गाइस चलो एक और छोटी सी ब्रेक हम यहां ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ और फन मस्ती करेंगे, सो कीप वॉचिंग लेट नाइट वाइब्स विद शबीर। Upgrade your luxury for just $1 down. Get summer ready in style at Big Star Cadillac. Step up to the new 2023 CT4 luxury for just $379 a month. Or the new 2023 CT5 luxury for only $499 a month. Both for 39 month lease with just $1 down. Or purchase either and enjoy $750 bonus cash. Gulf Freeway just 2 minutes south of the Beltway. Shop smarter when you shop at Big Star. Shop BigStarCadillac.com. Hey Bobo, do trees tell each other stories? I'm sorry, I'm afraid I don't know that. Hey, why don't we go find out? Listen. Do clouds take naps? I couldn't tell you. Dad, do stars visit their friends? Look! Hey! Okay. Mm-hmm. If you love me enough to tolerate my perfect little pets and all their glorious dander, then of course you'll visit nhtsa.gov/the right seat to make sure I'm in the right car seat. Welcome back to Late Night Vibes with Shabir. वापस आ गया हूँ ब्रेक के बाद और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ यहाँ पे हैं रुचिका और प्राजना। रुचिका प्राजना वेलकम बैक, थैंक यू, क्या हाल चाल है आप दोनों के, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। नहीं अच्छा कुछ लोग होते हैं जैसा अभी मैं प्राजना की बात कर रहा हूँ, कुछ बोलते नहीं लेकिन सब कुछ बोल देते हैं, जैसा मैंने अभी पूछा ना क्या आप लोगों को कैसा मजा आ रहा है, आपने कहा मुझे मजा आ रहा है और जो प्राजना है वही हूँ बागों में झूले में बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, फ्री राइड, मजा आ रहा है, दिल से बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। सबसे ज्यादा अच्छा क्या लग रहा है लेट नाइट, लेट नाइट वाइब्स के अंदर मुझे छोड़ के, क्योंकि आप यही कहेंगी ना बोलने वाली नहीं, आपका सर चमक रहा है, ये आपने जो तारीफ की है ना मेरी उसके बाद अब मैं किसी लड़की से नहीं पूछूंगा कि मैं कैसा लिख रहा हूँ, ये सर चमक रहा है, कोई तारीफ होती है करने वाली, मतलब आप बोलिए कि आपकी नोज अच्छी है, आपकी स्माइल अच्छी है, उन्होंने सब बोल दिया, आपका सर छोड़ दिया तो वो नहीं, कब बोला मैंने तो नहीं सुना, आपने कब बोला, बाकी लोगों ने, अच्छा बाकी लोगों ने बोला ना, मैंने तो आपसे पूछा ना, आप अपना ओपिनियन देना, बाकी तो बाकी हो गया ना, आप क्या है, आपकी एक अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी है रुचिका, क्या बोलेंगे आप, बोलिए ना, मतलब ग्रूम्ड लग रहे हैं बिल्कुल, अच्छा नहीं रहने ही देते हैं, हैंडसम लग रहे हो कि नहीं, रहने ही दो, रहने ही दो, मतलब दिल से नहीं, दिल से नहीं, ऑलराइट गर्ल्स अभी हमारा ये जो राउंड है इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, रैपिड पोल खोल, रैपिड रैपिड पोल खुलेंगी, किसकी खुलेंगी,
हमारी मतलब आप दोनों की, मैं और सवाल कौन करेगा? मैं करूंगा वन बाय वन. ऑलराइट, सो सबसे पहले मैं किससे करूं? अब आप दोनों डिसाइड कर लो. रिचिका से. अच्छा, रिचिका से. देखो कैसा, कहीं रिचिका से करो ताकि आइडिया तो हो जाए. हाँ, आइडिया हो जाए. लेकिन यू नेवर नो कि मैं कौन सा आपको इन योकर दे दूं, कौन सा रिवर्स स्विंग आ जाए, कौन सी स्लो बॉल हो, कौन सी नो बॉल हो, वाइट बॉल, आपको पता नहीं ना. तो चले, आप कहती हैं तो डोंट वरी, इनको हम घेरेंगे बाद में. रिचिका रेडी है? रेडी है. ऑलराइट, योर फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश. फर्स्ट या अभी का? नहीं नहीं, फर्स्ट आपका जो मतलब जिसको आपने जब देखा तो बोला वाओ. शाहरुख खान. अच्छा, मुझे एक यहाँ पे मैं नहीं, बचपन से ठीक है, मैं आएगा शाहरुख खान क्या मतलब, मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि शाहरुख खान, देखें एक टू बी ऑनेस्ट एक बहुत ही नॉर्मल लुकिंग बंदा है वो, ठीक है, क्या लड़कियों को उनके अंदर क्या समझ में आता है ऐसा कि मतलब यू नो दे लव शाहरुख खान? अगर मैं आपसे पूछूं तो उनकी एक्टिंग और उनका यू नो जो अदाएं हैं, जो जिस तरह से वो रोमांटिक लड़कियों को स्पेशल फील कराते हैं, वो. So you mean to say the respect they give to women? हाँ जी, right, respect. Right. And even like I mean you know being doing this all this romantic scenes, they are so respectful towards women. हाँ जी. बहुत अच्छी बात है. Acting तो सभी कर लेते हैं. हम भी यहाँ पे acting ही कर रहे हैं, बैठे हुए और क्या कर रहे हैं? good choice. Okay. Things come to your mind when I say these following words. Okay. Childhood. Fun. Fun, okay. किसके साथ? बहन के साथ, बहन के साथ, नेबर्स के साथ कभी मस्ती की है? मतलब इनके बैल बजा के भागा हो? बहुत, मैं तो पूरी प्रैंकस्टर थी बचपन में, बहुत प्रैंक्स खेले हैं. कोई बता दे जल्दी से बता दे. तो टीचर की चेयर पे गम लगा दिया था. तौबा, ऐसा कौन करता है यार, वो तो उठेगा तो मतलब क्या बोलूं, मेरे को बोलने में मैं शर्म आ रही है, मैं बोल भी नहीं सकता है, तो सार्वजनिक शो है हमारा, फैमिलीज देख रही हैं, मतलब फिर भी चल रहे. टीचर की जो आपने चेयर पे गम लगा दिया था, सीरियसली यू डिड दैट? हां जी. अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर पता बताया नहीं क्लास में, मेरे फ्रेंड्स ने बताया नहीं कि किसने लगाया, लेकिन उनके पैंट पे चिपक गया था. नहीं तो मतलब वो सेफली उड़ गए थे, कुर्सी के साथ उठे थे. नहीं मतलब सेफली उड़ गए थे. अच्छा, सेफली उड़ गए थे, तो उनको ऐसा नहीं, ये चिपचिपा क्या है, क्या हो गया? हाँ, लगा उनको. ऑब्वियसली क्या बात है, मतलब मैं ये आज तक मैंने सुना पेन रख दी, मतलब नीचे थोड़ा इंक फेंक दी किसी पे, बेल बजा दी, यहाँ तक तो ठीक था, गम कौन लगाता है? अभी पैंट फट गया थी फिर. चलो, फर्स्ट क्रश. First crush. Apart from शाहरुख खान. मेरे पति. Okay, सही है. Okay. अच्छा. Okay. College days. क्या आपके ज़हन में आता है सबसे पहले? खूब मस्ती की है, खूब पार्टी की है. अच्छा, कॉलेज में भी की है? हाँ. अच्छा, स्कूल में तो ये बच्चों वाली हरकतें हो गई कि भाई इन्हें को गम लगा दिया, बेल बजा दी. कॉलेज के अंदर पार्टी का क्या सीन था कि क्या मतलब, थोड़ा सा जरा डिटेल में आया ना, थोड़ा डिटेल चाहिए. तो मेरी जो रूममेट थी वो बहुत स्ट्रिक्ट थी. अच्छा, और हमारे बोर्डिंग में रहते थे, हॉस्टल में? हाँ जी, हॉस्टल में रहते थे. तो वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, और हमारी हॉस्टल वार्डन का रूल था कि 9 बजे के बाद हॉस्टल में एंट्री नहीं मिलेगी. तो उसको मस्का लगा के कि पापा को मत बताना, और यू नो लेट नाइट कैसे हॉस्टल के अंदर स्नीक पीक करके घुसना, वो सब बहुत किया हमने. सही है, चलो अच्छा नहीं, अच्छी बात है. कॉलेज में अगर ये सब नहीं किया तो क्या किया? सही. हाँ, बात तो है. कब करेंगे? नहीं, हर ऑब्वियसली हर एक एज का अपना है, क्योंकि ये पता, ये रियलाइज हम लोग को जितनी जल्दी हो जाना कि हर एज की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अपने आपको पीछे मत हटाओ, रोको मत. बाद में जाके क्या होता है कि एक दिल में वो हो जाती है कि नहीं यार, काश मैं कर लेता या कर लेती. बहुत अच्छी. रिग्रेट नहीं होना चाहिए. सही है. ओके, वन थिंग दैट यू माइट गेट अरेस्टेड फॉर, कोई ऐसी चीज जिससे आप अरेस्ट हो सकते हैं? Speeding. सही है. अब मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप मैक्सिमम आप कितना गई हैं, obviously मतलब you will get into trouble for that. आप नेशनल टेलीविजन पे शो आ जाएगा. Okay. Three things that you want to change in yourself. In myself. Three things. तो मैं definitely अपना मतलब मैं चाहूंगी कि मैं more you know. लेकिन कभी कभी वो ना परेशानी का कारण बन जाता है खुद के लिए भी, तो वो चेंज करना चाहूंगी. तो क्या मतलब सफाई कर करके रंग मिटा देते हैं उस चीज का, इतनी सफाई की कि वो कलर ही फेड नहीं हो गया. थोड़ा लाइफ को रिलैक्स्ड रहना चाहूंगी. तो आपके पति जैसा आपसे बहुत ज्यादा एंग्री मतलब अनहर्ट रहते होंगे? वो बोलते हैं मुझे थोड़ा टेक इट इजी, रिलैक्स रहो, इट्स ओके, कुछ नहीं होगा. ओके, व्हाट इज द थर्ड थिंग? थर्ड थिंग
आई डोंट थिंक कुछ और चेंज करना चाहूंगी. नहीं होता, हर इंसान के अंदर कमियां होती है, ऐसी बात नहीं, इतना इनोसेंट नहीं खेलने देते. कमियां, गुस्सा आता है मुझे, फटाक से गुस्सा आ जाता है. थोड़ा सा शांत रहना चाहेंगे, थोड़ा सा मतलब मॉर्निंग वॉक किया करें, अच्छा हो जाएगा. सही बात बताता हूँ, सही है ना? वो डेफिनेटली. ओके, वो आपको ऐसे टेढ़ी आंख से देख रही प्राजना, बता दो, झूठ बोलो और झूठ बोलो. उनको रियलिटी पता है, उनको रियलिटी पता है भाई, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के. ऑलराइट ऑलराइट, डू यू एवर इन्वॉल्व इन अ फाइट, वर्बल और फिजिकल? नहीं, मैं यूजुअली नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव एनर्जी से दूर ही भागती हूं. नहीं नहीं, फाइट का मतलब थोड़ी है कि नेगेटिव लोगों से. कोई जेन्युइन बचपन में भी तो फाइट होती थी ना, गर्ल्स फाइट तो बहुत फेमस है, कॉलेज में, स्कूल में, कभी कुछ नेबर्स में. गर्ल्स फाइट मैं तो नहीं पढ़ी हूँ मैं कभी, क्योंकि नहीं, गर्ल्स फाइट में नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन बॉयज से झगड़ा किया मैंने एक बार ही. हम दिल्ली में रहते थे, तो मेरी बहन को कोई छेड़ रहा था, ईव टीज वगैरह वहाँ पे तो बहुत चलता है, तो मैंने पीटा है. अच्छा, ये पता, बॉलीवुड की छेड़म छाड़ी डिफरेंट होती है, जो रियलिटी से जरा डिफरेंट होती है. क्या बात है, आपने इस पर तो तालियां बनती है भाई. क्या बात है, आपने पीटी दिया उसको सीधा, चलो अच्छा ही किया. ऑलराइट, क्यूट एंड रोमांटिक और स्मार्ट और गुड लुकिंग? स्मार्ट एंड गुड लुकिंग. सही है. इनके, आपके पति की फोटो देखना चाहूंगा मैं भी. योर बिगेस्ट, स्मार्ट एंड गुड लुकिंग. नहीं नहीं, मैं, हमने मना ही नहीं किया, हम तो पूछ रहे हैं आपसे. ओके, योर बिगेस्ट फियर? बिगेस्ट फियर इज फ्रॉम हाइट्स. ओके, सही है. क्यों, ऐसा क्यों? और ये रिसेंटली डेवलप हुआ है, पहले नहीं था, बट हाँ, हाइट पे जाके थोड़ा डर लगने लगता है मुझे. नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई रीजन तो, कोई कारण तो होगा ना, कि मतलब क्या इसका, स्काई डाइविंग से डर लगता है, माउंटेन्स पे जाके, या इवन डर तो लगता है, और उसको ओवरकम करने के लिए मैं करना चाहती हूँ कि ये फियर ओवरकम किया जाए, बट हाँ, डर लगता है. चलो, लव इज ब्लाइंड, एग्री और डिसएग्री? ब्लाइंड तो है. Love is blind. आपकी लव मैरिज थी? नहीं. चलो, एक acceptance speech दो रुचिका, आप हमारे viewers के सामने, कि आपको एक award मिला है कि for the best actress of 2023. एक acceptance speech, छोटी सी, एक या दो लाइन के अंदर, आंखों में छोटे छोटे से आंसू लाके, oh my god, thanks mom, thank dad, इस तरह की जो बॉलीवुड ड्रामा क्वींस टाइप की, कोई सी भी एक दो लाइन की स्पीच. ओके, 1, 2, 3, गो. थैंक यू सो मच. आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ. दिस इज़ माई ड्रीम कम ट्रू. एंड मैं चाहूँगी अपने, सबसे पहले अपने हस्बैंड को थैंक यू बोलना, अपने बच्चों को थैंक यू बोलना, जिन्होंने पूरी कोऑपरेशन दिखाई, और अपने मम्मी पापा, अपने पेरेंट्स को, अपने इन लॉज को, जिन्होंने इतना सपोर्ट दिया मुझे. एंड प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, और जो बिहाइंड द सीन्स हमारी पूरी टीम होती है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शबीर सर को थैंक यू बोलना चाहूंगी. सही है, हमने बोला भाई, हमें भी तो बुलाओ ना, कि अवार्ड मिलने के बाद हमने आपको एक्नॉलेज करने के लिए अवार्ड. हां जी, बिल्कुल, थैंक यू. प्रार्थना को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि वो हमेशा हर कदम पे मेरे साथ रही, हमेशा रहने के, ड्रेसिंग रूम से लेके स्टेज तक, हर जगह प्रार्थना का सपोर्ट मेरे साथ. क्या बात है, नहीं नहीं, यू रियली डिजर्व दैट, थैंक यू. ऑलराइट प्रार्थना, आपके साथ रैपिड पोल खोल हम खेलेंगे. भगवान बचाए. बिल्कुल बिल्कुल, अब वही बचाएगा, अब और कोई, किसी और किसी से आप उम्मीद भी मत रखना, क्योंकि आपको बचाएगा. हम तो यहाँ पे ताबड़तोड़ हमले करेंगे आपके ऊपर. योर फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश? सलमान खान. रीजन? एक मिनट, मुझे ये आंसर नहीं सुनना है कि आपने कहा ओह माय गॉड ही इज अ माचो मैन. नहीं, वो इसके लिए नहीं था. हाँ. जब मैंने प्यार किया, हाँ. और उसमें उसका एक्टिंग, और हम आपके कान, हम आपके कौन? राइट, फिर राइट. हम साथ साथ है, द कैरेक्टर ही प्लेज, यू नो. अच्छा एक सेकंड, पता है क्या, ये देखिए, रोमांटिक रोल्स बेसिकली, मैं जहां तक समझ रहा हूँ, यू लाइक द वे ही डू द रोमांस विद द गर्ल्स, राइट. अच्छा, इन्हें शाहरुख खान का भी देखें, क्योंकि सबसे ज्यादा वो तो करते ही रोमांस वही है, लेकिन फिर भी आप देखिए यहाँ पे वेरिएशन है सलमान खान. तो यू लाइक मोर सलमान खान डूइंग मोर रोमांस एंड एवरीथिंग? नॉट नाउ, sorry, but okay. चलो ठीक है. okay, things come to into your mind when I say childhood? memories with my brother. Yeah. Like you want to share one of the memories? Yeah, like you know, he वो थोड़ा silent है, और I am, मैं बहुत शैतान हूँ उसके सामने. जो बचपन से ही आप ऐसे? हाँ. नहीं, मैंने सुना जो बचपन में लोग होते हैं, बड़े होके थोड़े change हो जाते हैं. actually you know, I मैं introvert हूँ. इंट्रोवर्ट है लगता? हाँ, तो नहीं आपको देखे? नहीं, आफ्टर आई स्टार्टेड बेकिंग आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल. नहीं तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, जैसे कॉलेज में कभी पार्टीज नहीं गई, बाहर वो आपका एक हिडन टैलेंट था कि आपके बाहर. हाँ, लेकिन बाद में आपको फिर पति बाहर लेके आए. पति बाहर लेकर आए, सही है. योर फर्स्ट क्रश?
अपार्ट फ्रॉम सलमान खान, मतलब सलमान खान तो वो एक सेलिब्रिटी हो गया ना, फर्स्ट क्रश तो याद नहीं है लेकिन कॉलेज में एक सर क्रश था। बस ठीक है, समझ गया। ओके, कौन सा सब्जेक्ट है? तुझे पता है ना? कौन सा सब्जेक्ट? तुझे पता है ना? मुझे भी जानना है, मुझे भी जानना है। अब तो वो बताओ, उसके बाद ही आगे शो होगा। अरे नहीं, वो सर मेरे फेसबुक पे मत करो ऐसे। ओके, कॉलेज डेज, college things can come to your mind, kya aata aapke zehen mein college days ko sunke? Are laughter, talks ladkiyon ke sath, jo wo talks hai wo professor yaad aate honge aapko? Wo to haan, pura college janta tha, college janta tha. Acha sab jante the, wo hi nahi jante the sir? Usko bhi pata tha. Ek din sab chhed rahe the, actually kya hua, sab ek friend hai, usne bola yaar ye tera sir ka abhi period start hone wala, jaldi aa jaldi aa. To main niche thi तो मुझे नहीं पता वो मेरे पीछे खड़ा था, तो मैं बोल रही थी आंखों की गुस्सा किया ऐसे आ रही थी और वो पीछे से हाय प्रजना, मैंने हम हाय सर। क्या बात है, इसे कहते हैं मासूम प्यार, मासूम मोहब्बत। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। मैंने हमेशा 10 लाख दफा बोला है, मुझे भी हुआ था मेरी मैथ्स की टीचर से। अब ये बात बचपन का प्यार। ओके चलो कोई बात नहीं, अब तो खैर आपने कहा ना मत पूछो फेसबुक पे, अब तो सबको पता चली गया। वन थिंग दैट यू माइट गेट अरेस्टेड फॉर, इनका तो स्पीडिंग है, आपका क्या है? मेरा ड्राइविंग, रात को ड्राइविंग दिखाई नहीं देता है, पता नहीं पाथ पे ही चढ़ा दूं इसके रात में। नहीं तो हेडलाइट्स बंद करके ड्राइविंग करते हो रात में? क्या वाला लाइट, लाइट ऑन हो तो भी दिखाई नहीं देता है। क्या बात है। ओके, थ्री थिंग्स दैट यू वांट टू चेंज इन योरसेल्फ। ट्रस्टिंग पीपल ब्लाइंडली। ओके, दैट यू डोंट वांट टू ट्रस्ट देम एनीमोर। ओके ओके, नंबर 1। ओके, और फिर अगर कुछ गलत दिखा कहीं पे तो मैं फट से आई कांट कंट्रोल, मैं जो जैसा। तो आपको मतलब कंट्रोल करना है, आपको यू डोंट वांट टू रिएक्ट लाइक इंस्टेंटली, यू हैव टू वांट टू टेक योर टेक सम टाइम। क्योंकि मैंने देखा है लोग रिएक्ट नहीं करते यहाँ पे। मुझे अगर किसी ने कुछ गलत किया, सामने मेरा कुछ गलत हो रहा है, तो आई प्रेफर टू टॉक। ओके, एंड व्हाट इज द थर्ड थिंग? थर्ड थिंग मेरा ओसीडी प्रॉब्लम, जो रोज मेरे पति के साथ मेरा झगड़ा हो रहा है, तो वो कम करना चाहूंगी। झगड़े को लिमिट में ही रखना, ऐसा नहीं हो कि तो मामला पड़ोसी तक पहुंच जाए। रोज हो रहा है इसके लिए बर्तन जा रहे हैं रोड पे धड़ाम धड़ूम। ओके, यू एवर इन्वॉल्व इन अ फाइट with anyone, verbal or physical? Lot. क्या college days, school days, now कभी? Now भी, मैंने बोला ना, अगर कहीं गलत दिख जाता है तो I start talking. अच्छा, okay. Then realize होता है शायद सब जिनके साथ हो रहा था वो भी छुप बैठा था, तो मैं क्यों बोली? चलो, okay. Cute and romantic or smart and good looking? Cute and romantic. आपके husband की picture भी देखना चाहूँगा। हाँ, ज़रूर। Your biggest fear? Biggest fear is एक तो अंधेरा है, आई डोंट लाइक डार्क, है ना? नहीं, अंधेरा तो है लेकिन इसके अलावा मतलब योर बिगेस्ट फियर क्या? मतलब आई डोंट नो, मुझे रात को इफ आई हैव बीन कॉल्ड फॉर अ पार्टी, सो आई डोंट नो, मैं आ नहीं पाती हूं, आई कांट गो आउट इन द नाइट। राइट। ओके, लव इज ब्लाइंड, एग्री और डिसएग्री? एग्री। yes. क्या बात है। लास्ट में एक्सेप्टेंस स्पीच के वही सेम सिचुएशन आपके लिए कि आपको भी एक बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, फिर हम तो बताएंगे किसने अच्छी स्पीच की थी। ओके, तो अब आप भी स्टार्ट हो जाइए कि लाइक फॉर 2023 यू गॉट द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड और अब आपको एक्सेप्टेंस स्पीच देनी है। ओके, सो 1 2 3 प्रजना गो। ओह थैंक यू सो मच कि आज मुझे अवार्ड मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू शबीर जी, थैंक यू, हियर वी गो। क्या बात। फिर मेरे पति देव जी, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, फिर मेरे बच्चे, मेरे नेबर, मेरे दादा दादी, माँ, मम्मी, उनके इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं। अच्छा, सभी को थैंक यू। ओए होए होए, और सबसे बड़ा थैंक्स होना चाहिए किसको? रचिका को। रचिका के साथ वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला। सही बात है, उन्होंने रेफरेंस, उन्होंने नंबर दिया था प्रोड्यूसर का कि जाओ। गर्ल्स अभी एक एक करके हम आपसे मैसेज लेंगे और ये रियलिटी वाला मैसेज है, ये बॉलीवुड एक्सेप्टेंस अवार्ड्स एक्सेप्टेंस नहीं है। आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे, कोई सभी अच्छा सा हेल्दी हैप्पी मैसेज? ये वाला साइन बनाओ पहले, हम दोनों, आप दोनों से मैसेज लेंगे। सही है रुचिका, दिस इज योर टर्न, फर्स्ट टाइम ये सामने हमारे कैमरा है, इधर देख के आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज दोगे आप सबसे पहले? तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि अपने सपनों को पूरा कीजिए, अपनी फैमिली के साथ अपने सपने शेयर कीजिए, वो आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। थोड़ी सी समझाना, थोड़ा सा मनाना पड़ेगा, लेकिन इट्स ऑल वर्थ इट। अपने सपनों को, लिव योर ड्रीम्स,
एंड फुलफिल योर ड्रीम्स. सपने देखना बुरी बात नहीं है और जाओ फ्लाई हाई एंड टच द स्काई. क्या बात है, ये बड़ा अच्छा माइंड ब्लोइंग था कि जाओ गो फ्लाई हाई टच द स्काई. बहुत जबरदस्त रुचिका, आई रियली लाइक इट. प्राजना, अब आपके लिए एक हम मोमेंट देंगे आपको, हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज है अच्छा सा. पहले तो ये वाला साइन बना लो आप, सही है? तो ब्यूटीफुल प्राजना, आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? तो एक्चुअली इवन आई विल टॉक अबाउट ड्रीम्स, क्योंकि जिस तरह से मेरा जो करियर है, आई हैव कम टू बेकिंग. इनिशियली जब स्टार्ट कर रही थी, मेनी पीपल विल ट्राई टू पुल यू डाउन. इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, आई थिंक यू कैन. अप्स एंड डाउन्स तो बहुत सारे आएंगे, बट आई फील यू शुड ट्रस्ट योरसेल्फ. If you want to reach somewhere, you can. Very good message. बहुत बहुत अच्छा. Trusting yourself is the biggest thing. That's the only thing that you know you need to do. किसी और को खुश नहीं करना. नहीं. क्या बात है? चलें, girls, this is the time to wrap up the show. बहुत मजा आया आज आप लोगों के साथ. वाकई में तीन दोस्त इस तरह बातें कर रहे हैं. मैं अपना अपना experience share कर रहा हूँ आपके साथ. तो चलें, इजाजत लें आपसे. Yes. और उसके बाद आपके साथ pictures वगैरह भी खिंचवाएंगे obviously. Sure. Thank you so much, Prajna and Ruchika. Thank you so much. चलें guys, this is the time to wrap up the show. आपने देखा हमारे साथ आज यहाँ पे two beautiful ladies, प्राजना और रुचिका थी. तो इस प्रॉमिस के साथ मैं यहाँ से जा रहा हूँ. नेक्स्ट टाइम आपके लिए एक और फन जोड़ी लेके आऊंगा. सो टिल देन कीप वॉचिंग लेट नाइट वाइब्स विद शबीर. Self is the biggest thing. That's the only thing that you know you need to do. किसी और को खुश नहीं करना. नहीं. क्या बात है? चले, girls, this is the time to wrap up the show. बहुत मजा आया आज आप लोगों के साथ. वाकई में तीन दोस्त इस तरह बातें कर रहे हैं. मैं अपना अपना experience share कर रहा हूँ आपके साथ. तो चले, इजाजत लें आपसे. Yes. और उसके बाद आपके साथ pictures वगैरह भी खिंचवाएंगे obviously. Sure. Thank you so much, Prajna and Ruchika. Thank you so much. चले, guys, this is the time to wrap up the show. आपने देखा हमारे साथ आज यहाँ पे two beautiful ladies, Prajna और Ruchika थी. तो इस प्रॉमिस के साथ मैं यहाँ से जा रहा हूँ. नेक्स्ट टाइम आपके लिए एक और फन जोड़ी लेके आऊंगा. So till then, keep watching Late Night Vibes with Shabir. Something I think you can. Ups and downs तो बहुत सारे आएंगे, but I feel you should trust yourself. If you want to reach somewhere, you can. Very good message. बहुत बहुत अच्छा. Trusting yourself is the biggest thing. That's the only thing that you know you need to do. किसी और को खुश नहीं करना. नहीं. क्या बात है? चलें, girls, this is the time to wrap up the show. बहुत मजा आया आज आप लोगों के साथ. वाकई में तीन दोस्त इस तरह बातें कर रहे हैं. मैं अपना अपना experience share कर रहा हूँ आपके साथ. तो चलें, इजाजत लें आपसे. Yes. और उसके बाद आपके साथ pictures वगैरह भी खिंचवाएंगे obviously. Sure. Thank you so much, Prajna and Ruchika. Thank you so much. चलें, guys, this is the time to wrap up the show. आपने देखा हमारे साथ आज यहाँ पे two beautiful ladies, Prajna और Ruchika थी. तो इस promise के साथ मैं यहाँ से जा रहा हूँ. नेक्स्ट टाइम आपके लिए एक और फन जोड़ी लेके आऊंगा. सो टिल देन कीप वॉचिंग लेट नाइट वाइब्स विद शबीर. Self is the biggest thing. That's the only thing that you know you need to do. किसी और को खुश नहीं करना. नहीं. क्या बात है? चले, girls, this is the time to wrap up the show. बहुत मजा आया आज आप लोगों के साथ. वाकई में तीन दोस्त इस तरह बातें कर रहे हैं. मैं अपना अपना experience share कर रहा हूँ आपके साथ. तो चले, इजाजत लें आपसे. Yes. और उसके बाद आपके साथ pictures वगैरह भी खिंचवाएंगे obviously. Sure. Thank you so much, Prajna and Ruchika. Thank you so much. चले, guys, this is the time to wrap up the show. आपने देखा हमारे साथ आज यहाँ पे two beautiful ladies, Prajna और Ruchika थी. तो इस promise के साथ मैं यहाँ से जा रहा हूँ. Next time आपके लिए एक और fun जोड़ी लेके आऊंगा. So till then, keep watching Late Night Vibes with Shabir.